आकर अब दो टैबलेट्स और बची हुई है तो वो भी ऐसी तरीके से आराम से देने गाइस। बस तो गाइस फाइनली अपने रॉक्सी की डिवॉर्मिंग हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रॉक्सी, में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मैंने रॉक्सी को ओपन छोड़ा है फ्रेश फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो गाइस यहाँ पे है ना रॉक्सी, देखे कितनी वो पागल सी हो रही है बाहर निकलने के लिए, तो मैं इसको जाके डांटता हूँ गाइस। इसकी गंदी आदत बनती जा रही है। चल डी, एक बार हल्की सी मार लग गई ना गाइस इसको, फिर ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली इस साइड। तो गाइस अभी मैं ना रॉक्सी को थोड़ा सा इधर उधर घुमा लूँ आराम से, फिर जब ये घूम के आराम से बैठ जाएंगे ना तो गाइस फिर इसकी मैं डिवॉर्मिंग करने वाला हूँ। क्योंकि रात इसको जो मैंने खाना दिया था ना गाइस, इसने नहीं खाया, थोड़ा सा खाया था मैंने हाथ में लगा के जो खिलाया गाइस वही खाया, बाकी जो मैंने इसके पास रखा था ना रखा रह गया, अभी मैं फेंक के आया हूँ उसको। तो गाइस इसकी डिवॉर्मिंग करना जरूरी है, तो अभी ये बस ये घूम ले फिर ले आराम से फ्रेश हो ले, उसके बाद मैं इसको घर लेके जाऊंगा और इसको डिवॉर्मिंग करूंगा। और डिवॉर्मिंग की जो पूरी भी जितने भी जानकारी होती है गाइस मैं आपको पूरी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। तो गाइस अभी हम ऊपर मकान की छत पर आ चुके हैं और मैं करने वाला हूँ रॉक्सी की डिवॉर्मिंग। और गाइस मेरे मौसे का लड़का होगा मेरा कैमरामैन रॉक्सी की डिवॉर्मिंग करते टाइम पे, तो अगर कुछ वीडियो अच्छे से नहीं आया ना तो गाइस प्लीज कोऑपरेट कर लेना यार, क्योंकि इसको इतनी नॉलेज नहीं है मोबाइल पकड़ने की, कैमरा वगैरह पकड़ने की, मुझसे खुद से नहीं होती। ये तो अभी तक कहाँ है, नया नवेला है, तो गाइस इसको कहाँ से होगी। तो गाइस यहाँ पे घूम रही अपनी रॉक्सी और मैं अब इसकी डिवॉर्मिंग करने वाला हूँ, तो देखेगा आप किस तरह से रॉक्सी की डिवॉर्मिंग करता हूँ मैं। तो गाइस मैंने अभी है ना मेरे मौसी के लड़के को टैबलेट्स लेने के लिए भेजा हुआ है नीचे, तो वो जल्दी से आ जाए, फिर रॉक्सी की डिवॉर्मिंग का हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। डिवॉर्मिंग करने लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो अपने डॉग्स को अच्छे से फ्रेंडली कर लो, उसके साथ अच्छे से बैठो आराम से, उसके बाद में ये क्या है ना डरना बंद हो जाएगा थोड़ा सा। तो रॉक्सी बैठ जाए नीचे, ले बैठ बैठ जा, सब बस बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी रॉक्सी नीचे बैठ चुकी है और मैं डिवॉर्मिंग के लिए गाइस रॉक्सी को ये टैबलेट्स यूज कर रहा हूँ। मैं अच्छे से आपको वीडियो में दिखा दूंगा कौन से टैबलेट्स हैं। ये है गाइस ड्रोनटाल प्लस टैबलेट्स हैं, तो ये मैं रॉक्सी को देने वाला हूँ। ये तीन टैबलेट्स हैं मेरे पास और ये इजिली मार्केट में आपको शायद 100 या 80 रुपये के समथिंग मिलती है एक टैबलेट, तो इजिली मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है गाइस अच्छे से मेडिकल स्टोर पे। तो गाइस इसमें से मैं रॉक्सी को देने वाला हूँ 2+ आधी टैबलेट, मतलब मैं 2.5 टैबलेट में रॉक्सी को दूंगा, क्योंकि इसका वेट 25 किलो था और ये एक टैबलेट 10 किलो वेट पे एक टैबलेट दी जाती है। तो ठीक है गाइस मैं रेडी करता हूँ रॉक्सी, प्रोसेस देखते हैं आराम से ले लेती है नहीं लेती है। पिछली बार तो मैंने गाइस इसको थोड़ा सा खाने में मिला के दिया था, लेकिन इस टाइम पर मैं इसको ऐसे देने वाला हूँ, तो ट्राई करता हूँ पहले मैं इसको आधी टैबलेट दे के, अगर ये अच्छे से खा लेती है ना तो फिर इसकी पूरी डिवॉर्मिंग कर दूंगा मैं। रुक जा आकर, तो बस ऐसे गोली को मुंह में डाल के आराम से थोड़ी देर से मुंह बंद कर लो, गोली उसके पेट में चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी गाइस। और ये हो गया अपने रॉक्सी की डिवॉर्मिंग। अब दो टैबलेट्स और बची हुई है तो वो भी ऐसी तरीके से आराम से देने गाइस, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आराम से आप डिवॉर्मिंग कर सकते हो अपने डॉग्स की। और गाइस मैं देने वाला हूँ इसको सेकंड टैबलेट और थर्ड टैबलेट दोनों एक साथ दूंगा, ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े और ये बस आराम से उसको ले ले। बस तो गाइस फाइनली अपने रॉक्सी की डिवॉर्मिंग हो चुकी है, बस थोड़ी देर इसका ऐसे मुंह बंद करके रखो ताकि टैबलेट्स को ये अंदर ले ले। हाँ तो फाइनल गाइस इसने साइज ले लिए अंदर, क्योंकि इसका गला थोड़ा हिल रहा था तो इसने अंदर ले लिए। हाँ रॉक्सी दिखानी, बस शाबाश। डॉग्स की डिवॉर्मिंग करना कोई इतना भारी काम नहीं है, बस इजीली हो जाती है, बस आपको थोड़ी सी धैर्य चाहिए, वेट अच्छे से आप एक बार नाप ले वेट कितना है कितना नहीं है, क्योंकि 1 किलो वेट पे, मतलब मैं गाइस सॉरी 10 किलो वेट पे एक टैबलेट लगती है गाइस। तो रॉक्सी का 25 समथिंग केजी वेट था, तो मैंने इसको 2.5 टैबलेट दिए, और ये है ना मतलब ड्रोनटाल प्लस की जो टैबलेट्स आती है ना गाइस सबसे बेस्ट आती है, टेस्टी भी होती है स्वाद में, तो डॉग्स खाने में इतराते नहीं है, आराम से खा लेते हैं। एक तरह से मान के लो गाइस जो इसको ट्रेनिंग बिस्किट आते हैं ना उस तरह के टैबलेट्स होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं पूरी वीडियो में आपको डाल दूंगा किस तरीके से मतलब मैं डॉग्स का वेट करते हैं और किस तरीके से डॉग को डिवॉर्मिंग करते हैं, किस कौन सी टैबलेट्स आपको यूज करनी है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बीच बीच में ऐड करके बता दूंगा गाइस। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करो अपने डॉग्स की तो टैबलेट्स अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लो क्वालिटी की टैबलेट्स ले आओ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर आप अच्छे से वेट चेक नहीं करते हो ना डॉग्स का तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, आप ओवर डोज भी नहीं दे सकते डॉग्स को, तो कम भी नहीं दे सकते गाइस, ठीक है। और आपको थर्ड इंपॉर्टेंट बात,
डॉग्स को जब भी आप डिवॉर्मिंग करो तो 2 घंटे पहले और उसको 3 घंटे बाद में खाना देना चाहिए। मतलब मैं डॉग्स भूखे पेट ही डिवॉर्मिंग करनी चाहिए तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपने कल शाम को उसको 10 बजे के समथिंग खाना दिया होगा तो सारी रात वो भूखा है, बिल्कुल खाली है पेट उसका। और अब मैंने इसकी डिवॉर्मिंग तकरीबन 6:30 बजे की है तो मैं इसको खाना देने वाला हूँ 9:30 या 10 बजे के समथिंग। तब तक मैं रोक चुका ऐसे रखूंगा। डिवॉर्मिंग की टेबलेट सबसे अच्छा वर्क करेगी इस पोजिशन में। आप जब भी डिवॉर्मिंग करते होंगे गाइस तो गलत डिवॉर्मिंग करते होंगे, खाना दे देते होंगे या खाने में मिला के देते होंगे, अच्छे से वेट चेक नहीं करते होंगे, प्रॉपर डोज नहीं देते होंगे, तो इसमें है ना डॉग्स को नुकसान भी होता है और अच्छे से वर्क भी नहीं करती है। लेकिन गाइस जो मैंने तरीका आपको बताया ना, इस तरीके से आप डिवॉर्मिंग करोगे ना डॉग्स की तो हेल्दी रहेगा और अच्छे से डिवॉर्मिंग होगी और वो डिवॉर्मिंग मानेगा गाइस। उसके जितने भी मतलब वॉर्म्स होंगे ना अंदर पेट में सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि ड्रोनटाल प्लस टेबलेट ऐसी है जो वॉर्म्स के साथ साथ वॉर्म्स के अंडों को भी खत्म कर देती है गाइस। तो बाकी आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगी ना कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको पूरी बताऊंगा। रॉक्स की डिवॉर्मिंग हमने कर दी है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा गाइस आप कमेंट करके बताना किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी है। बाकी बने रहेगा वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही आपको नॉलेज हमारे चैनल पे मिलती रहेगी गाइस। हाँ तो गाइस अभी है ना दोपहर का टाइम हो चुका है लगभग, और मैंने है ना लगभग 10 बजे के समथिंग रॉक्स को खाना दिया था तो उसने शौक से नहीं खाया, लेकिन हाँ उसके पेट में थोड़ा बहुत कुछ गया है और उसके बाद मैंने उसको लिवर टॉनिक दे दी थी गाइस। और अभी मैंने ना रॉक्सी को आराम से पंखे में बैठा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस अभी इस टाइम पे मैं ना थोड़ी सी तैयारी करूंगा मेरे कल के पेपर की, तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधा डायरेक्ट शाम को, तब तक वीडियो में बने रहेगा। शाम को फिर से आपको डिवॉर्मिंग के बारे में कुछ 1-2 बेसिक सी नॉलेज दे दूंगा मैं, तो उसके लिए वीडियो में बने रहेगा गाइस और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को लाइक। हेलो तो गाइस हो चुका है शाम का टाइम और मैं रॉक्सी को लेके आ चुका हूँ खेतों में, बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है। यहाँ पे देखे गाइस वो रही अपनी रॉक्सी, अब यहाँ पे आराम से घूम ले फिर ले मौज मस्ती कर ले गाइस। और मैं आपको आज की मतलब मैं न्यू अपडेट दे दूँ गाइस, हमने रॉक्सी की डिवॉर्मिंग कर दी है कम्प्लीटली, और मतलब ये मान चलो कम्प्लीटली अच्छे से हुई है गाइस। जिस तरीके से होती है ना डिवॉर्मिंग उसी तरीके से हुई है, खाना पीना सब कुछ मतलब मैं टाइम टेबल के हिसाब से दिया गया था गाइस। तकरीबन 6 या 7 दिन तक दोनों टाइम सुबह और शाम लिवर टॉनिक देना जरूरी होता है, क्योंकि डिवॉर्मिंग है ना सीधा डायरेक्ट लिवर पर जाके अटैक करती है गाइस। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें लीवर टॉनिक देना जरूरी होता है, तो आप उसे खाना खाने के बाद में या खाने में मिलाकर आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइस ये देखिए अपनी रॉक्सी आराम से घूम रही है फिर रही है, मस्ती में मजे कर रही है गाइस। और दोस्तों है ना क्या हुआ ना, हमने इसकी डिवॉर्मिंग कर दी फिर भी इसने है ना सुबह अच्छे से खाना नहीं खाया था, जबरदस्ती खिलाया था ये मान के चलो। पता नहीं यार क्या हो रहा है इसको, शायद मुझे तो ये लग रहा है कि इसको है ना गर्मी की प्रॉब्लम है ओनली, और कुछ भी इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, अच्छे से घूमती फिरती है, बट खाने में थोड़ा नखरा कर रही है। और जब इसका मन करता है ना अच्छे से खाती है, जब नहीं करता तो बिल्कुल नहीं खाती है। तो ये गर्मी के अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती गाइस, गर्मी की वजह से ही इस टाइम पे ये खाना नहीं खा रही है। अगर आपका डॉग ऐसे कर रहा है ना गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मली होता है, नेचुरल होता है। गर्मी के टाइम पे ना डॉग्स बिल्कुल कम खाना खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो थी गाइस वो प्रॉपरली डिवॉर्मिंग के ऊपर थी, व्लॉग कम था उसमें और डिवॉर्मिंग की जानकारी ज्यादा थी गाइस। तो आपको एक और जानकारी मैं दे दूं आज की वीडियो में डिवॉर्मिंग से रिलेटेड, कि गाइस हमें कैसे पता लगता है कि डॉग की डिवॉर्मिंग हमें करनी है नहीं करनी है। तो गाइस उसके कुछ अच्छे से सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस डॉग की आंखों में है ना डीच आने लग जाते हैं, आपको पता होगा इस बात का, डॉग की आंखों से डीच आते हैं और वो है ना गंदी चीजों को खाने लग जाता है गाइस। सबसे मेन बात तो यह है गंदी चीजें खाने लग जाता है, ऊपर से गाइस कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह सब कुछ खाने लग जाता है वो, और घास अगर उसको आप गार्डन वगैरह में घूमने ले जाओ तो गाइस उसके घास भी खाने लग जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हाँ आपका डॉग डिवॉर्मिंग मांग रहा है गाइस, और उसको उल्टी वगैरह कभी कभी, और कभी कभी लूज मोशन, और लूज मोशन में गाइस कुछ वॉर्म्स दिखाई देते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं डिवॉर्मिंग करने का। और गाइस देखिए यहाँ पे अपनी रॉक्सी है, इसको डाइट यार इसने बहुत कम कर दिया अपनी, इसीलिए गाइस इसकी हेल्थ है ना बहुत बुरी हो चुकी है, मान के चलो बिल्कुल पतली हो गई है। वैसे वीडियो में आपको नजर नहीं आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन गाइस मैं सामने से इसको देख सकता हूँ बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है ये, और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यार। ऐसे पहले हष्ट पुष्ट हुआ करती थी, बिल्कुल मस्ती किया करती थी हमारे साथ। तो दोस्तों आज हमने ना रॉक्सी को बिल्कुल लेट छोड़ा था, आप भी देख सकते हो गाइस बिल्कुल सूरज डूब चुका है बादलों के पीछे, बहुत टाइम हो रहा है। और गाइस मैंने रॉक्सी को आज इसलिए लेट छोड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना गर्मी से हो सके उतना बच सके, जितनी धूप से सके उतना बच सके, क्योंकि सारा दिन मैं इसको पंखे में रखूं और फिर शाम के 1-2 घंटे इसको बहुत ज्यादा धूप में रखूं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से गाइस मैं तो बहुत केयर कर रहा हूं यार इसकी, अब पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। और बस रही बात एक बुखार का थोड़ा सा मुझे इशू है, मतलब मैं थोड़ा सा है सक के इसको बुखार होता है, तो इसका मैं टेम्परेचर भी चेक करवा लूंगा एक बार। तो गाइस अभी यहाँ पे रॉक्सी आराम से घूम रही है फिर रही है देखिए, और मेरी मौसी के लड़के के पीछे पीछे जा रही है, तो ये अच्छे से घूम ले एक बार फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। गाइस अभी ना रॉक्सी देखिए बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो चुकी है, और ये है ना बिल्कुल थक चुके घूमते घूमते, देखिए कितनी जोर से सांसें ले रही है गाइस, चेक कीजिए आप इसका पेट को, देखिए गाइस कितना जोर से हांफ रहा है देखिए। तो गाइस अब मैं ना रॉक्सी को घर पे लेके चलता हूँ यार, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुकी है ये, और इस टाइम पे इसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं है क्योंकि खाना अच्छे से खा नहीं रही है।
तो इसको घर पे लेके चलता हूँ गाइस और इसको डाइट देता हूँ। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। रॉक्सी सब्सक्राइब ले बोल एक बार।